चले आगे देखो जरा। अब इसके अंदर हम दो बातें और लिख लेते हैं रिगार्डिंग सोलेनोइड, और उनको हम उनका प्रूफ जो है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। दो क्या बोल के तीन बातें लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी तीन बातें हैं, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं फ्यू मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्टर। पहला तो आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जो है वो बच्चों कितना होता है, जैसे होता है ना कैपेसिटर में कितना, ये भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। रेजिस्टेंस एक एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस है, वहां से एनर्जी जो है वो हमेशा डिसिपेट होती है। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी सेविंग डिवाइस है, वो एनर्जी को सेव करते हैं, ठीक है। तो कितना एनर्जी, कैपेसिटर हम जानते हैं क्यू स्केयर बाई टू सी या हाफ सी वी स्केयर या हाफ क्यू वी, ठीक है, तीन उसके फॉर्मेट है, वो एनर्जी स्टोर होता है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है बच्चों, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है हाफ एल आई स्केयर। कैसे आया है ये, इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें दे दूंगा, बट ये इसके अंदर होता है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो कोई भी अगर तुम्हारा इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ठीक है, तो बार बार मैं सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोलूंगा, मैं अब इंडक्टेंस ही बोलने लग जाऊंगा, बट उसका मतलब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ही है, ठीक है। तो कोई तुम्हारा इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस जो है वो एल है और उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगा, ठीक है, ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगा। तो यू स्टोर्ड का वैल्यू हाफ एल आई स्क्वायर हमने लिख लिया, ये यू स्टोर्ड लिखा हुआ छोटा सा, ठीक है। तो ये कैसे आया इसका प्रूफ भी हम दे देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमने बोला था ना कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर वो पूरा पूरा स्पेस जो है वो सॉर्ट ऑफ एनर्जाइज हो जाता है और एनर्जी डेंसिटी जो है वो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकल करके आती है। सिमिलरली यहां पर भी जो एनर्जी स्टोर होगी, अगर कोई किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो स्पेस भी जो है हम बोलते हैं कि मैग्नेटिकली एनर्जाइज्ड है, और उसके अंदर जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो बिल्कुल उसके जैसा ही होगा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो तुम्हें याद है तो यहां पर हम पहले लिख देते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू बता रहा हूं मैं, वो हमारा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो हमारी कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल कितनी थी हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हाफ तो अभी भी हाफ ही है। अच्छा ई की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट, और तुम जानते हो दोनों उल्टे चलते हैं, ये परमिटिविटी है ये परमिएबिलिटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन को कितना अपोज करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करता है कोई भी मीडियम, ठीक है। तो क्योंकि एक अपोज कर रहा है दूसरा सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये मल्टीप्लाई में आया तो ये डिवीजन में आएगा, तो यहां पर ये जो है वो यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें थोड़ा बोलना ऐसा पड़ेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट नीचे आ गए, बट है ये वही हाफ, और परमिट इसका परमिबिलिटी जो है वो नीचे आएगा, ये रीजन मैं दे चुका हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाली जो है ये क्वांटिटी बोलो या जो भी बोलो इसको, ठीक है, और ये इप्सिलॉन नॉट जो है वो कितना अपोज कर रही है इसके बारे में बताता है, ठीक है। खैर एनीवेज, थर्ड जो बात हमने वो सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये भी हम देख लेंगे कैसे आया है, ठीक है। थर्ड हमें बात सीखनी है इस तरह से कुछ कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, लेट से सर्किट में कोई भी इंडक्टर है ना, तो तुमने जैसे ही ये स्विच को तुमने ओपन किया तो क्या होता है, अगर पहले इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो अगर पहले करंट फ्लो कर रहा था तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे तुमने ओपन किया तो करंट क्या होने की कोशिश करेगा, ठीक है, तुमने इसको ओपन कर दिया एकदम से, ठीक है, इस तरह से तुम इसको ले गए, ठीक है। तो पहले करंट जो है वो कुछ फ्लो कर रहा था, बाद में करंट जो है वो एकदम से जीरो होने की कोशिश करेगा। अब तुम जानते हो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या, इंडक्टर एक कॉइल ही है वो कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही इसके अंदर से करंट था तो इसके अंदर से कुछ लिंक्ड जो है वो फ्लक्स भी था। अब जैसे तुमने स्विच ऑफ कर दिया तो करंट जो है वो जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट तुम्हारा कंप्लीट ही नहीं है, लेकिन करंट जो है वो डिक्रीज होना चाहेगी, बट इंडक्टर क्या करेगा, उसको डिक्रीज होने नहीं देगा,
कैसे नहीं होने देगा, इंडक्टर बोलेगा करंट डिक्रीज करेगी तो बी डिक्रीज करेगी, बी डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, इसीलिए ये करंट डिक्रीज नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही फ्लो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो वो अपना खुद का एक ईएमएफ पैदा कर देगा, अगर करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करेगा जिससे वो करंट बढ़ सके, यानी इंड्यूस करंट भी इसी डायरेक्शन में पैदा करेगा। जाहिर सी बात है इंड्यूस करंट जो है वो चीज को डिले ही कर पाती है, उसको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये करंट अल्टीमेटली डिक्रीज होकर के जीरो पे जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। अगर ये इंडक्टर ना होता तो जैसे तुमने ओपन किया तो इंस्टेंटेनियसली ये करंट जीरो हो जाता ना। अब ये इंडक्टर क्या करेगा, खुद का एक जो है वो यहां पर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कराने लग जाएगा, ठीक है। ये एकदम से करंट इसका इंडक्टर का एक ही प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से ना कभी भी करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देगा। ये बोलेगा तू चेंज करना चाहता है, तू जीरो पे जाना चाहता है, तू जा, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ये जो है वो खुद का ईएमएफ, जो भी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी ड्यू टू दिस करंट जो फ्लोइंग था, वो ये ईएमएफ बना करके धीरे धीरे जो है ये रिलीज होने लगती है, और अल्टीमेटली करंट जीरो पे जाएगा लेकिन थोड़ा समय लेगा। और जब तक ये करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट तो ओपन हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या, हाँ। तो यहां पर आकर के ये तुम्हारा चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है। तो चार्ज तुम्हारा यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही वो जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, हमने देखा था ना हर एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो उसको जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर जाएगा तो यहां से एक स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और स्पार्क की फॉर्म में सारी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो हमने आम तौर पर देखा है जब हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो जिस सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा होता है तो वहां पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तो डरने की जरूरत नहीं होती उसके अंदर, कुछ जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ जो है वो तार वार कोई लूज होगी है, कुछ होगी है, तो इस रीजनिंग से जैसे हमने इसको ऑफ किया तो एकदम से सारी सारी घटना जो है वो इतनी जल्दी घट जाती है कि एकदम से हमें इंस्टेंटेनियस जो है वो स्पार्क दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है, ऐसे और भी रीजन हो सकते हैं स्पार्क के, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे यही रीजन है, लेकिन जिस जहां जहां स्विचेस में इंडक्टर का जो है वो सहारा लिया गया है वहां पर उनको ऑफ करोगे तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उसका रीजनिंग मैंने तुम्हें दे दिया है कि जो भी एनर्जी जो है वो स्टोर्ड है इंडक्टर के फॉर्म में वो यहाँ पर उसको करंट फ्लो करवाएगी, ठीक है, और वो चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा और वो जो है एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस करेगा और एक वो स्पार्क के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वैसे लिख सकते हैं स्विचेस इन विच इंडक्टर इज यूज्ड अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये बोर्ड में आ जाता है, अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को तुम लोग नोट कर सकते हो, उसके बाद वी कैन मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आरएल सर्किट, जो कि बहुत सिमिलर है आरसी सर्किट के। तो आरएल सर्किट तुम्हारा बिल्कुल डिटो, अगर हमने आरसी जो है वो तसल्ली से किया है तो तुम्हें आज इसमें आरएल में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज ही है, ठीक है। खैर इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें।